नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां पे कालाबाजारी करते हुए एक व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, बड़ी खबर है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी एवं एसएसपी द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई। मुट्ठीगंज में हुई है एक व्यापारी की गिरफ्तारी। सभी कालाबाजारी करने वाले हो जाएं सावधान, इस कोरोना महामारी के मुसीबत की घड़ी में देश का साथ दें, कालाबाजारी ना करें। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। लगातार लगे हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग भ्रमण पे हैं। कालाबाजारी का एक प्रकरण हमारे सामने मुट्ठीगंज में आया है, जिसमें हमने गिरफ्तारी की है। आपूर्ति निरीक्षक के कहने वहाँ पे कुछ चीज़ों की जनरल स्टोर पे कालाबाजारी की जा रही थी, एक्स्ट्रा रेट पे बेचा जा रहा था उसको, तो उसको हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए। अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है। जी हाँ, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तराखंड उधम सिंह नगर के गदरपुर शहर में सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी, वह अब घरों में जा चुके हैं। थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि लोग सड़कों पर अति आवश्यक सामान खरीदने के लिए जो छूट मिली थी उस समय आए थे। अगर अब कोई व्यक्ति सड़क पर पाया गया तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तथा क्षेत्र के किसानों से भी अपील की है कि अपने कार्यों को स्थगित रखें तथा लेबर को खेतों पर न जाने दें। फूल की खेती करने वाले किसानों के लिए उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सामानों को मंडी ले जाने पर प्रतिबंध है, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही जारी रह पाएगी। देखें गदरपुर से शाहनूर की रिपोर्ट। यह माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि 21 दिवस तक, अग्रिम 21 दिवस तक लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का अभी तक जो आदेश है उसमें लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए छूट प्रदान की गई है, जिसमें हमारे मेडिकल स्टोर हैं और डॉक्टरी हैं, और उसके अलावा सब्जियाँ हैं, ग्रॉसरी है, खाद्य पदार्थ, अन्य वस्तुओं की छूट दी गई है। यदि 10 बजे के बाद कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखो, फूल अगर अभी नहीं जाएंगे मंडी में तो काम चल सकता है, लेकिन खाद्य वस्तुओं से संबंधित जो है वो मामला नहीं रोक सकते हम। खाद्य सामग्री को तो आपूर्ति करनी ही पड़ेगी उसकी हमें। आ रही बात लेबर की, तो किसानों को भी सतर्क किया जाएगा, उन्हें आगाह किया जाएगा कि अभी काफ़ी हद तक जो आपके काम है वो रोक दिए जाएँ। यदि लेबर भी है तो उन्हें जो है काम से प्रति विरत किया। अगली खबर यूपी के बिजनौर जिले से है। प्रशासन की आज्ञा का हो रहा है पालन। जी हाँ, यूपी के बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के झंडा पार्क के गिरीश अग्रवाल, ऋषु अग्रवाल, अमीर आदि दुकानदारों ने बताया कि हम सब दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके अपने अपने घरों में बैठे हैं और प्रशासन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। देखें मंडावर से राजीव कुमार की एक खास रिपोर्ट। जी, परिचय दें आप अपना। मैं मंडावर से बोल रहा हूँ, बिजनौर जिले का। ये मंडावर मोहम्मदपुर ब्लॉक में आता है। जी जी, और झंडा पार्क के पास से बोल रहा है। जी बताएं। बोल रहे हैं हम लोग व्यापारी लोग हैं। जी जी, हमारे कपड़े की शॉप है और इधर करने के रेडीमेड की शॉप है। जी, और शॉप है, स्टूडेंट्स भी हैं ये। जी, इधर काम जो इधर है, इधर लोहार का काम है। जी जी, कमाना खाना इन लोगों का ये है। जी, इन लोगों का ये है। अच्छा, मार्केट तो बंद कब से हुआ है जी? मार्केट कल 3 बजे अनाउंसमेंट हो गया था। जी जी, बंद हो गया कल शाम 3 बजे। क्या सभी लोग, सभी दुकानदार पालन कर रहे हैं? सभी पालन कर रहे हैं, तो कच्चे पूर्ण से पालन कर रहे हैं। और आप जी, आप भी अपना परिचय। मैं भी मंडावर से ही हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मॉडर्न में पढ़ता हूँ। अभी सारे स्कूल, जितनी भी दुकानें हैं, सब बंद हैं इस समय, और सभी लोग पूरी पालन कर रहे हैं इस चीज़ का। सारे पेपर वगैरह सब रुक चुके हैं, पूरा देश इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। मैं श्री कृष्ण अग्रवाल हूँ, एमबीए स्टूडेंट हूँ। अभी घर पर प्रॉपरली कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपना घर के अंदर ही पूरा इसका पालन कर रहा है, पूरा देश पालन कर रहा है। जिस तरह ये सारी दुकानें बंद हैं जी, तो क्या इससे कोई समस्या? नहीं नहीं, फिलहाल कोई समस्या नहीं, कोई रीजन नहीं है। सभी ने पहले ही अपना इंतजाम पूरा कर लिया है, हो सकती है। और आगे को कुछ समस्या हो सकती है तो कंडीशन ये है कि अभी 7 से 8 दिन तक हर प्रत्येक व्यक्ति अपना काम एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद दिक्कत पड़ सकती है। क्या सभी लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल,
100% प्रशासन का बहुत सहयोग है, प्रशासन का बहुत सहयोग है, मंडावर पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, चेयरमैन साहब का भी सहयोग, चेयरमैन साहब का बहुत सहयोग है। भाई मंडावर शिफ्ट से हूँ, हमारी भी कपड़े की शॉप है और मैं वीरा कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ, तो कॉलेज वगैरह बंद है तो इसलिए घर पे सेल्फ स्टडी चल रही है। कब से नहीं खुली है आपने दुकान जी? कल बंद कर दी थी हमने, कल दोपहर से जी जी 3 बजे बंद कर दी थी, तो अब बंद रही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू 10th विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी लोगों का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के संभल जिले से। पुलिस वालों के लिए नहीं है खाने की व्यवस्था। जी हां, यूपी के संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शोधन मोहम्मदपुर में पुलिस प्रशासन ने मार्केट खाली कराई, जिसमें पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्रवाई कर रही है। जो भी बाइक सवार आ जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, कोरोना के महामारी से बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस वालों का यह भी कहना है कि उनके खाने की व्यवस्थाएं अभी तक नहीं की गई हैं। सरकार से यही कहना है कि खाने की व्यवस्था कराई जाए, जिससे हम लोग ड्यूटी बिना अपनी जगह से हटे निभा सकें। देखें दरोगा राम नरेश सिंह ने क्या कहा और देखें हयात नगर से फहीम की यह रिपोर्ट। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, जैसे मेडिकल की दुकान खुली है, परचून दुकान की, जनता के आम सामान लेने ले जाने के लिए कोई हरी बीमारी है, वैसे कोई भीड़ भाड़ चाय और चाय पकौड़े का ठेला ये नहीं लगने देने। सर जैसे बाइक आई आपने रोकी भाई? हाँ बाइक रोकी मैंने, उनसे बता रहा हूँ कि भाई आप कोरोना में आप अपने अंदर के अंदर रहिए और किसी प्रकार का बाहर मत निकलिए, आवश्यकता बहुत ही जरूरी काम है तो आप। जैसे सर ने हमें भी बताया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है तो उनको रोका जा रहा है, और मैं उनको संदेश दिया जा रहा है कि जनता कर्फ्यू का जो पालन किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसका पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर अगर निकल भी रहे हैं इमरजेंसी में तो मास्क लगें और दस्ताने का यूज करें। जैसे कि हमारा पूरा पुलिस अधीक्षक से बात की हमने और पूरा स्टाफ उनका सहयोग दे रहा है, चौराहे पर खड़े हैं हम इस वक्त। संभल जिले के ग्राम सोनर मोहम्मदपुर का ये चौराहा है, और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये जो मार्केट बंद कराई है सर ने अभी, वो चीज़ दिखा दीजिए, इधर की सुनसान सड़कें दिखा दीजिए, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, और यहाँ पर 100 नंबर की भी गाड़ी खड़ी है, और सर से हम यही बात की थी। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये जो जस्ट मेरे सामने की दीवारें हैं वहाँ की दिखाएँ तस्वीरें, और एक बाइक आ रही है, हम इनकी जानकारी लेंगे, लेकिन वो मुड़ गई अभी इधर को, शायद नहीं आ रहे वो अभी, कोई बाइक आती है उनसे हम पूछताछ करेंगे। मना करने के बावजूद भी आप लोग क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं अभी, किसी को आने दो, अभी एक बाइक इधर से भी आती है। अभी एक मिनट कैमरा यूज़ करें, कैमरा जैसे कि अभी एक बाइक कैमरा, आपको पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और कैफ्यू लगा हुआ है, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कपिल के पास। तो आपने मास्क क्यों लगाया? नहीं रुमाल तो है, मास्क की बात करूँ सर, पीछे मिला भी नहीं, हम पीछे क्या मानो गए थे तो दुकान बंद, गाड़ी पे एक अलावा आप दो बैठे सर, बच्चा तो साथ जाएगा, बच्चा साथ जाएगा तो आपको गाड़ी लेके जानी चाहिए, गाड़ी कौन सी बड़ी
बड़ी गाड़ी लेके जानी चाहिए, दो दिन अलाउ है सर, बड़ी गाड़ी हमारे पास तो है। जैसे कि हमने अभी इनसे बातचीत की, इन्होंने बोला कि बच्चे की तबीयत खराब है, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, अब सर इनसे बात करेंगे हम कुछ कैसे। जी आपका नाम क्या? सतीश सर, कहाँ से रहते हैं? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाना? नहीं 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 नहीं, पहले मेरी बात करो, आप मास्क क्यों नहीं करा? ध्यान नहीं रहा वाला इस बार। आपको पता है कि 21 दिन का जो कर्फ्यू, आप उसका पालन कर रहे हैं? जी चलो अब कर लेंगे ना, अब करने से कोई फायदा नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? भैंस के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ, भैंस को दिक्कत है। भैंस को दिक्कत है, मेडिकल कौन सा मेडिकल? मातृ मेडिकल एजेंसी, मातृ मेडिकल एजेंसी से। तो आप इस तरीके से निकलने, ना ही आपके पास हेलमेट है, कोई कागज है? जी यहाँ तक भवानी पट्टी से यहाँ तक आया हूँ, मतलब चलिए चलिए यूज कीजिए, यूज कीजिए। अम्मा दाना घर से बात गाड़ी 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 वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो मना किया हुआ। ये करो, मैंने हमने यहां कोई जान तक चाबी है, हमने यहां बुई रे बाबू हां चाबी दे। अरे तो बाबू जी ऐसे करे क्यों? हां जैसे कि देख पा रहे हैं ट्रैक्टर आया है और बात करेंगे इनसे। अभी हमारे सर ने जो इनको ये दिया गया है और इनकी तरफ लिखा हुआ है, मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं घर पर नहीं रहूँगा, इन्होंने ये लिखवाया है। और हमारे सर से हम कुछ बात करते हैं। सर आपने इनको जो अभी दिया है तो इनका आपको क्या संदेश पहुँचाना है? संदेश ये पहुँचाना है कि लोगों को समझना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आप घर से निकलिएगा। आपकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ लगे हुए हैं, आपकी मदद के लिए। अगर इमरजेंसी है तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप बिना बात के बिना किसी काम के मार्केट पर घूम रहे हैं, ये सुरसवार नहीं है, क्या है बताओ? जी जी सर, जैसे इन्होंने अभी घर से बाहर आए हैं, तीन लोग आए हैं ट्रैक्टर से, खामो खाई है, इमरजेंसी कोई काम नहीं है, इतना टेरी में घुस डाल का ही। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपको पता है कि 21 दिन का लॉकडाउन क्या श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, तो उनका पालन नहीं करेंगे, आप किसका पालन करेंगे? सर ये बात सही है, जब बिल्कुल सही फोन कर रहे हैं, टेरी में बिल्कुल गाय को धोरे घुस नहीं था। चलिए हमें सर ने अगली खबर है यूपी के आजमगढ़ जिले से। मंदिरों में पसरा है सन्नाटा। जी हां, नवरात्र का पावन माह चल रहा है। यूपी के आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के रुद्रपुर में अति प्राचीन जय बाबा बुढ़ऊ मंदिर है, जहां नवरात्र में मेला लगा करता था, वहां लॉकडाउन होने से सन्नाटा पसरा है। लोग अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ कर रहे हैं। देखे देवगांव से सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। प्रिया संवाददाता, इस समय आजमगढ़ के रुद्रपुर जय बाबा बुढ़ऊ मंदिर पहुंचे हैं। जैसा कि जानते हैं रामनवमी शुरू हो गया है आज, और यहां देखिए मंदिर में कोई नहीं है और सभी लोग अपने घर से पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहां एक व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, भाई इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? संतोष यादव। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? रुद्रपुर। अच्छा अच्छा, तो आप कौन हैं? पूजा करने आए हैं? अगर पूजा करने है। अच्छा अच्छा, रामनवमी यहाँ से शुरू है? हाँ। अच्छा अच्छा, जैसा कि लॉकडाउन हो गया है, घर पर रहने हैं, तो घर ही से पूजा करिए आप लोग। नहीं ठीक, मालूम नहीं था ना। मालूम नहीं आपको है? नहीं मालूम नहीं था, तो नहीं यहाँ पूजा नहीं करना था। हाँ हाँ, इसलिए जो है थोड़ा सा जो है एहतियात करिए। ठीक, चलिए ठीक है। इस बुलेटिन में खबरें यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त।
जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया संग, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। यदि आप खबर को YouTube, Facebook और Twitter पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।